सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाकटीज। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को एज अ कंप्यूटर माउस या फिर एज अ कंप्यूटर कीबोर्ड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपने मोबाइल के ज़रिए किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वो किस तरह से। तो इसका नेम मैं आपको बता देता हूँ, रिमोट कंट्रोल कलेक्शन। आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने पहली वाली जो है एप्लीकेशन, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। ये सिर्फ 4.5 MB की है। और चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं इंस्टॉल करने के लिए एक्सेप्ट कर देता हूँ इसको, और आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो रही है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं या फिर मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सिंपली ओपन करने के लिए मैं इसको अपने ऐप्स में ढूंढ के इसको ओपन कर लिया मैंने अभी, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं इधर आपको बता रहा है क्या है, गेटिंग स्टार्टेड टू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर पीसी, ओपन दिस वेबसाइट ऑन द डिवाइस दैट यू वांट टू कंट्रोल। ये बता रहा है आपको कि ये वेबसाइट का जो लिंक नीचे इसने दिया हुआ है, इसको आपको उस पीसी या फिर लैपटॉप में ओपन करना है जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो ये वेबसाइट का लिंक जो है आपको अपने कंप्यूटर में ओपन करना है। तो चलिए मैं इसको अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक जो है इधर टाइप कर लिया। मैं सिंपली एंटर करके इसको सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। और इस वेबसाइट में से जो है मुझे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि मेरे पीसी में होगी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आके देख सकते हैं, गेट द सॉफ्टवेयर और डाउनलोड सेक्शन के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है ये लोडिंग लेगा पेज, और इधर से ये बता दे रहा है आपको व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ऐप्स या फिर सर्वर। तो मैं सर्वर पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ऐप्स तो मैंने डाउनलोड कर लिए अपने मोबाइल में। अभी बता रहा है कि आपको किसके लिए चाहिए, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ कर रहे हैं या फिर मैक ओएस। तो अभी मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड का लिखा हुआ है ऊपर, और नीचे डाउनलोड का ये जो है लोगो बना हुआ है। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं ये डाउनलोड होना इधर से स्टार्ट हो चुका है। तो अब चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप डाउनलोड सेक्शन में, ये देखिए ये नीचे वाला, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन इसकी जो है ये इधर से हो चुकी है। रिमोट कंट्रोल सर्वर, इधर से मुझे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है इसको इंस्टॉल करने के लिए। इसको मैं लोकेशन दे देता हूँ कोई सी, तो लोकेशन में इसको दे देता हूँ इस डी में, और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। और ये इधर से जो डाउनलोडिंग हो रहा है, इसको थोड़ा सा वेट चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इधर थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होने में कुछ टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। और इधर से आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब फिनिश के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये देख सकते हैं इधर ये इंस्टॉल हो चुका है ये मेरा। अभी मैंने इसको लॉन्च कर दिया है, अभी ये कुछ देर में ओपन होता होगा। तो अगर ओपन नहीं हो तो आपको सिंपली ओपन पे इसको ओपन कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और ये इसका आईपी एड्रेस ये है। सही है, आपको आईपी एड्रेस जो ये नोट कर लेना है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने आईपी एड्रेस नोट कर लिया। अब चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन में, तो चलिए आप यहाँ पे जो है गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए और डिवाइस के ऊपर जाइए। डिवाइस में जो है आपको इधर से प्लस के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है इधर आपको कोई आईपी एड्रेस देना है, ये जो जिस पीसी से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसमें अभी हमने अपने पीसी में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, इसका आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं ये है। तो चलिए मैं आईपी एड्रेस इसका इसमें जो है इंटर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आईपी एड्रेस इंटर कर लिया है। अब मैं सिंपली जो है टिक पे दबा देता हूँ इसका टिक वाला बटन जो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है मेरे इस वाले पीसी इन हुज़ैफ़ा उस्मान।
तो चलिए अभी यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आप मेरा ये पीसी कनेक्ट हो गया। अब मुझे कंट्रोल करने के लिए ये करना होगा कि मैं बैक जाता हूँ एक, और इधर से रिमोट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं रिमोट्स पे क्लिक करने के बाद आप माउस एज अ माउस यूज़ कर सकते हैं और एज अ कीबोर्ड। तो चलिए मैं माउस पे क्लिक कर लेता हूँ, और देखिए माउस पे मैं देखिए जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो उसमें जो है मेरा पीसी जो है वो होता है ऑन होता है। तो चलिए मैं इसको कंप्यूटर को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने इसको कंट्रोल कर ले रहा हूँ बहुत आसानी के साथ। तो चलिए मैं इसमें से क्रोम अपने ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र ओपन मैंने इसकी मदद से कर लिया, ये देख सकते हैं आप इसमें जो है लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का दोनों का जो सिस्टम है आप नीचे देख सकते हैं। इधर ये देख सकते हैं ये लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसमें यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। कीबोर्ड को मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ और इधर से ये सारा जो लिखा हुआ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं अपना YouTube.com सर्च करता हूँ। YouTube.com सर्च करने के बाद जो है मैं इधर इंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं उसमें YouTube.com ओपन हो गया। ये देख सकते हैं YouTube.com ओपन हो गया। तो अभी मैं कोई सी वीडियो भी आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो चलिए मैं आपको अभी अपना चैनल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं इसको कंट्रोल ले रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।